हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, ममता सिंह ब्लॉग में। और अभी शाम का समय है, ये देखिए 6:30 हो रहा है और ईशान सोया है और सोनी गई है ट्यूशन। 7:30 बजे आती है वो। और हस्बैंड जी भी काम में है, तो मैं अभी उठी और 4 ब्लाउज़ काटी। अभी स्टिचिंग करना है, तो पहले चाय पी लूँ, फिर चाय पीने का मन कर रहा है, फिर आराम से बैठूँगी तो फिर सिलाई करूँगी। क्योंकि ये टाइम तो पता ही है आप लोगों को कि सीती हूँ मैं इस टाइम में, शाम के समय। और जब तक ईशान सोया रहता है तो फट से कटिंग कर लेती हूँ, नहीं तो फिर जब मैं कटिंग करती हूँ तो ये आते जाते रहता है, तो डिस्टर्ब होता है मुझे और ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए सोया रहता है तब तक मैं काट लेती हूँ, या तो इस टाइम में सोया रहता है तब काटती हूँ, और नहीं तो सुबह एकदम सुबह जब उठती हूँ तो उस समय कटिंग करती हूँ मैं। क्योंकि ये बच्चे से भी बच्चा है शैतान मेरा, एकदम काटने नहीं देता है। तो अभी चाय बनाने जा रही हूँ, तो चलिए चाय बना लूँ, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, चाय बनाने से पहले ये देखिए, पहले सब क्लीन करना पड़ता है, बिखरा रहता है, क्योंकि मैं आजकल सिलाई करने में बिजी रहती हूँ, तो ये सब मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। फिर शाम को एक ही बार मैं साफ़ सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, चाय पत्ती डाल दिया है, चीनी और अदरक डाल के ठीक से बॉयल करूँगी इसे। चाय जब तक अच्छे से बॉयल ना हो तब तक टेस्ट नहीं आती है। तो ये देखिए चाय बन चुकी है मेरी, चलिए पीते हैं। तो ये रहा मेरा चाय बन गया है, तो चलिए पीते हैं, आप लोग भी एक सिप ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अकेले ही चाय पीऊँगी क्योंकि हस्बैंड जी नहीं आए हैं, वो आएंगे तो फिर उनके साथ भी पीऊँगी। और अभी बारिश हो रही है तो ठंड का मौसम है, तो चाय पीने में बहुत ही मज़ा आता है, कितनी बार भी पी लो। तो मैं तो 2-3 बार पी ही लेती हूँ। और ये देखिए, चाय पीने के बाद मैं ये अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, 2 पार्सल आया है मेरा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने परचेस किया ये 2 सामान, तो अभी आपके साथ शेयर करूँगी कि इसमें क्या है। चलिए खोलते हैं इसे। तो ये अब होने जा रही है अनबॉक्सिंग, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो ये निकला, बहुत सारा है आइटम, देख सकते हैं आप। तो इसमें क्या क्या है डिटेल में दिखाऊंगी आप सभी को, पहले सब निकाल दो सारे के सारे। तो ये कार्ड भी है, इसमें स्टार देने को कहा गया है। तो ये देखिए, पहले सबसे शुरुआत हुई है काजल से। तो काजल है, आईलाइनर है और मस्करा है, ये 3 एक ही पैक में है। तो देखिए, वैसे तो मैं ये सब यूज़ कुछ भी नहीं करती हूँ, पर ले लिया है, कभी कभार मेकअप ज़रूरी होता है तो कर लेंगे। और ये स्प्रे है, शायद पूरा मेकअप के बाद स्प्रे लगाया जाता है। और ये फाउंडेशन है। और ये रहा प्राइमर, और उसके बाद ये हाइलाइटर है जो 2 कलर में आ जाता है, 2 शेड में, एक डार्क है और एक लाइट है। और उसके बाद ये देखिए, ये कॉम्पैक्ट है। तो ये सब मैं पहले बार ही ऑर्डर की हूँ कि कैसा प्रोडक्ट है देखते हैं। और ये ब्लेंडर है। और ये रहा लिपस्टिक, 4 शेड है लिपस्टिक के, पर ये ऐसे लिक्विड वाला लिपस्टिक मुझे पसंद नहीं है, अजीब सा चिपचिपा, जैसे लगता है पेंट लगा लिया है तो मुझे पसंद नहीं है, फिर भी कभी कभार देखेंगे लगा के। और ये है लास्ट में आई शेडो, जिसमें बहुत सारे कलर हैं, ये देखिए, पर ये सब लाइट कलर है, इसमें कोई भी डार्क कलर नहीं है। तो ये रहा मेकअप किट सारे के सारा। देखिए फ्रेंड्स, पता नहीं कैसे कैसे लगाते हैं, एक बार मैं वीडियो देख के फिर बताऊंगी इसका भी वीडियो किसी दिन, मेकअप का। तो ये सारे इतने प्रोडक्ट आए हैं मेरे, और मैंने 550 या कुछ ऐसे में ऑर्डर किया है, मैंने प्राइस नहीं देखा और भूल भी गई कितने में ऑर्डर किया है मैंने। स्प्रे है, तो ये सब रिसीव हुआ है मुझे, इतने सारे, बहुत सारा ये आई। ये देखिए, ब्रांडेड तो कोई भी नहीं है, पता नहीं लगाने के बाद चेहरा कैसा होगा कुछ पिंपल्स वम्पल्स ना निकले, बस आया है, इफेक्ट ना करे चेहरा। चलिए फ्रेंड्स, आप खोलते हैं इसको, इसमें क्या है। तो ये रहा दूसरे वाले पैक, इसमें क्या है देखिए। ये रहा एक बेल्ट जिसे, तो ये बेल्ट कैसा लगा बताइएगा जरूर, साड़ी में या फ्रॉक में कुछ में भी पहन सकते हैं इसे। और ये स्ट्रेचेबल है, इलास्टिक वाला, तो कोई भी साइज़ में आ जाएगा ये।
वैसे तो ये फ्रॉक में ज़्यादा अच्छी लगेगी, पर मैं अभी सूट पहनी हूँ तो उसी में लगा के दिखा रही हूँ आप सभी को। तो फ्रेंड्स, हल्की हल्की भूख लग रही थी तो मैंने सोचा पूरी बना लूँ, क्योंकि बिस्किट विस्किट कुछ घर में था नहीं, तो नमकीन पूरी बनाई हूँ और चाय। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करने हमारे घर। चाय, शाम का नाश्ता नमकीन पूरी और चाय। तो फ्रेंड्स, सभी ने नाश्ता वास्ता कर लिया है और अब मैं बैठी हूँ सिलाई करने के लिए, क्योंकि कटिंग करके रखी थी जो मैं सिल लूँ अभी। और ये सिलाई होने के बाद ब्लाउज़ भी है तो वो सब मुझे सिलना होगा, 4-5 है तो सब करना होगा। और ईशान यहाँ पर मोबाइल देख रहा है तो वो लेने की कोशिश कर रहा था, तो मैं बोली कि थोड़ा सा वीडियो बना लूँ फिर ले लेना, तो अभी चेहरा लटका के बैठा हुआ है तो उसको देना पड़ेगा मोबाइल मुझे। पुरानी टीवी जा रही है टूटने, कबाड़ी बनने, तो देखिए इससे क्या बनता है, क्या बनाएंगे पता नहीं, क्या बनाएंगे हाँ। ए ए ए ईशान ईशान हाँ देखो क्या हुआ, अभी जा रहे हैं इस्लाम के स्कूल ना शर्मिला। कलर ऑरेंज दे देना ना, पता करो इसकी करे नहीं है तो ऑरेंज कहां से लगे इसकी, व्हाइट व्हाइट रहे तो ठीक है, अरे तब ब्लैक लिया के मान दे उन्हें, हां जो चीज जो ना हुए अच्छा लगे ला ना बाबू ना, जब देखिए उनका भी फसल है तो यहाँ पर हम लोग गाड़ी के टेप के बारे में बात कर रहे थे, उसमें स्टिकर चिपकाए हैं वाइट और ऑरेंज, तो वही बोल रहे थे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं बोले कि ब्लैक लगा दीजिए एकदम लगेगा कि स्पीकर है ओरिजिनल वाला क्योंकि उसका आगे का पार्ट था ही नहीं, जो फ्रंट का होता है तो उसी के ऊपर स्टिकर लगाए हुए हैं, तो वही बोल रहे थे हाँ सही बोल रही हो ब्लैक वाला ही लगाऊंगा। और ये देखिए यहाँ का मौसम, बारिश हो रही है सुबह से ही और सब ठंड लग रहा है तो सब स्वेटर जैकेट पहन लिए हैं, नहीं तो इतने दिन से हम लोग को इतना गर्म लग रहा था यहाँ पे कि पसीने छूट रहे थे, पर ये देखिए एक दिन बारिश होती है तो मौसम ही चेंज हो जाता है और ठंड जैसे लगने लगता है। तो आज ईशान को भी मैं स्वेटर पहना के लेके जा रही हूँ, हाफ स्वेटर। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं और अब हम लोग क्लास करने के बाद फिर जाएंगे घर, यहाँ 1 घंटा वेट करना पड़ेगा मुझे। बाय कर दो पापा को, बाय बाय चलो। तो फ्रेंड्स, ईशान की क्लास चल रही है और मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ, और जब तक क्लास होगी मुझे यहाँ पर बैठना होगा, तो कुछ कुछ गेम वेम खेलते रहती हूँ मैं और पजल खेलते रहती हूँ, टाइम पास करते रहती हूँ यहाँ पर बैठ के मैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं और मैंने तो चेंज कर लिया है, ईशान नहीं किया है अभी, ये देखिए लॉलीपॉप खा रहा है, पॉप से खा रहा है, और मैं आई तो थोड़ा सा रेस्ट करने लगी, पता नहीं क्यों आज सुस्ती लग रहा है मुझे कुछ काम करने का, है ना ना ईशान, तो खाना तो बनाना ही होगा, तो जा रही हूँ अभी खाना बनाने, दाल बना के गई हूँ, गई थी और बस सब्जी बनाना है चावल बनाना है तो जा रही हूँ बनाने।